मुंबई की कोलाबा स्पीज मेट्रो रेल लाइन 3 को पूरा होने में अभी 2 से 2.5 साल और लग सकते हैं, क्योंकि सुरंग का कुछ हिस्सा खोदने व स्टेशनों के निर्माण समेत कई काम बाकी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRJ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ये मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन होगी जो शहर के हवाई अड्डे को दक्षिण मुंबई तथा पश्चिम उपनगरों से जोड़ेगी और इससे स्थानीय उपनगरीय ट्रेनों में भीड़ कम होने की भी उम्मीद है। MMRDA के महानगरीय आयुक्त SVR श्रीनिवास ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुंबई मेट्रो लाइन 3 को पूरा होने में कम से कम और 2 से 2.5 साल लगेंगे, क्योंकि डेपो के निर्माण के अलावा बहुत सारे काम बाकी है। हालांकि आज से मुंबई की दूसरी मेट्रो लाइन भी शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।